पिछले वीडियो में हमने बृहस्पति के उदाहरण को देखा, अब इस वीडियो में हम पंडित जी ने जो आगे और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हैं, उसे हम देखेंगे। आगे पंडित जी कहते हैं, अगर किसी का सूरज प्रबल साबित हो मगर सूरज पड़ा हो कुंडली में केतु के घर खाना नंबर 6 में, तो उस शख्स का लड़का यानी केतु सूरज की लिखी शिफ्टों का मालिक होगा। तो पंडित जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि खाना नंबर 6, पंडित जी यहाँ खाना नंबर 6 की बात कर रहे हैं और लड़के की बात कर रहे हैं। तो हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि जिस घर में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह की लिखी हुई बातें उस घर से रिलेटेड जो रिश्तेदार होते हैं उसमें मिलेगी। तो यहाँ पंडित जी खाना नंबर 6 की बात कर रहे हैं और उसमें सूर्य बैठा हुआ है और रिश्तेदार कौन है? केतु। केतु यानी लड़का। तो पंडित जी कहना चाहते हैं खाना नंबर 6 केतु का है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य की लिखी हुई बातें यानी उस कुंडली में जैसा सूर्य है वह सूर्य की लिखी हुई बातें आपको खाना नंबर 6 से संबंधित रिश्तेदार में होगी। यानी रिश्तेदार कौन है यहाँ? केतु। यानी केतु यानी लड़का, तो उसके लड़के में सूर्य की बातें होगी, जैसा सूर्य होगा वैसी बातें उस लड़के में होगी। तो आगे हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें पंडित जी ने क्या लिखा है। अगर केतु पड़ा हो मंगल के पक्के घर नंबर 3 में, तो उसके भाई में केतु की लिखी बातें पाई जाएगी। तो हमने आगे पढ़ा, कोई घर है उसमें एक ग्रह है, उस घर के ताल्लुकदार में उस ग्रह की बातें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पंडित जी खाना नंबर 3 की बात कर रहे हैं और उसमें केतु बैठा हुआ है और उस घर का ताल्लुकदार है भाई। तो पंडित जी का कहना है कि जिसकी कुंडली है उसके भाई में कुंडली में जैसा केतु है ऐसी बातें मिलेगी। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जिस घर में जो ग्रह बैठा है उसकी बातें उस घर से रिलेटेड यानी उस घर के जो रिश्तेदार हैं उसमें वो बातें पाई जाएगी। तो यहाँ पंडित जी ने हमें 3 ग्रहों का उदाहरण देकर समझाया है कि जिस तरह नवग्रह हमारी दूसरी पुश्त यानी रिश्तेदार पर कैसा असर डालते हैं। तो दोस्तों हमें पंडित जी ने ये उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।